नमस्कार, आज हम बनाएंगे वीसी बेली भात। ये कर्नाटक की ट्रेडिशनल रेसिपी है, साउथ के बहुत सारे इलाकों में बनाई जाती है। आप इसका टेस्ट तभी जान पाएंगे जब आप इसे बनाकर खाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने आधा कप चावल लिए हैं, तो चावल ये जो खिचड़ी के चावल होते हैं वही चावल ले लिए हैं, कोई भी चावल ले सकते हैं। और ये एक चौथाई कप अरहर की दाल, इनको हमने 20 मिनट भिगोकर ले लिया है, एक्स्ट्रा पानी इनसे हटा दिया है। इन्हें कुक करने के लिए हमने कुकर लिया है। ये भीगे हुए चावल इसमें डाल देते हैं और ये भीगी हुई दाल। ये ताज़ा सब्जियां हमने छोटे छोटे वाइट साइज में काट कर ले ली हैं। आधा कप फूल गोभी, 8-10 बीन्स, एक गाजर, 2-3 टेबलस्पून मटर के दाने, आधा कप शिमला मिर्च। इन्हें हम मसाले के साथ भूनेंगे। इसमें हम पानी डालते हैं 1 कप 2 कप और ये 2.5 कप। एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और एक छोटी चम्मच घी डाल देते हैं। फ्लेम ऑन कर देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इन्हें एक सीटी आने तक कुक होने देंगे। और जब तक ये कुक होते हैं तब तक हम इसके लिए मसाला बनाकर तैयार करेंगे। हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून चना दाल और 1 टेबल स्पून उड़द दाल। इस पर हम लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। दाल गोल्डन ब्राउन हो गई है, इनसे अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, ये भुन चुकी हैं। तो इनको मैं अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम बाकी के मसाले भूनेंगे। उसके लिए डालते हैं 1/2 चम्मच घी। ये 2 लाल मिर्च डाल दे रहे हैं। लाल मिर्च अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच से भी थोड़ी सी कम मेथी के दाने, 1 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच खसखस और ये लगभग 1 टेबल स्पून छोटा छोटा कटा हुआ सूखा नारियल, डेसिकेटेड नारियल भी ले सकते हैं इसकी जगह। और ये हैं साबुत मसाले, 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 चने के बराबर ये नटमेग का टुकड़ा ले लिया है तोड़कर, 2 लौंग और ये 4-5 काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने। इनको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। हम ये मसाले ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी डाल लें तो मसाले जल्दी से भुन जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। और इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी। मसालों में नटमैग या कोई मसाला आपके पास ना हो तो उसे स्किप कर दीजिए। अच्छा कलर आ गया है और अच्छी अरोमा आ रही है, ये भुन चुके हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें भी इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। कुकर में सीटी आ गई है, हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और इन्हें 2 मिनट धीमी गैस पर कुक होने देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, तुरंत दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। 2 मिनट हो गए, फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर खुलने का वेट करते हैं। ये सारे मसाले थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम जार में डाल दे रहे हैं और इन्हें बारीक पीस लेते हैं। और ये मसाले पीसकर तैयार हो गए। ये बीसी बेले भात के लिए स्पेशल मसाला तैयार हो गया। अब तड़का बनाते हैं। पैन में 2 टेबल स्पून घी डाल देते हैं और इसे गरम कर लेते हैं। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। घी मेल्ट हो गया, इसमें मैं ये काजू डाल रही हूँ। 6-7 काजू को हमने 2 पीसेज में काट लिया है और 6-7 काजू हमने साबुत ले लिए हैं। इसे हम हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे। काजू की जगह आप मूंगफली के दाने भी भून कर डाल सकते हैं कि गोल्डन हो गए। इन्हें निकाल लेते हैं और अब ये 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने डालते हैं इसमें। सरसों के दाने चटकने के बाद डालेंगे हम 10-12 करी पत्ता। एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1 टमाटर बीज हटाकर काटा हुआ,
और ये शिमला मिर्च, इन्हें हल्का सा कुक कर लेते हैं। ये शिमला मिर्च और टमाटर कुक हो गए हैं, हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना इन्हें। इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून इमली का पल, और अब डाल रहे हैं इसमें 1/2 कप पानी, और ये जो मसाला हमने तैयार किया था वो डाल देते हैं। इसमें जो कटे हुए काजू हैं वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसे हम ढककर 2 मिनट कुक कर लेते हैं। इसे हमने 2 मिनट कुक कर लिया, तड़का मसाला तैयार हो गया, और ये हमारा कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है। इसे खोलकर देखते हैं, ये दाल चावल भी अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। तो इस मसाले में हम ये कुक्ड दाल चावल सब्जी मिला देते हैं। मिक्स कर देते हैं, और ये बहुत गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और 1/2 कप पानी डाल देते हैं। और बाद में जो मसाले डाले थे उसमें एडजस्ट करने के लिए ही हम 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। अब पूरा नमक हमने इसमें 1.5 TSP लिया है, आप अपने स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबल स्पून घी और डाल देते हैं। घी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाद में घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे धीमी गैस पर 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि सारे मसाले एक दूसरे में जज्ब हो जाएं। और हमने इसे पूरे 2-3 मिनट तक कुक कर लिया, और ये तैयार हो गया। इसके कलर टेक्सचर बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। निकालते हैं इसे प्याले में। अब ये जो काजू हमने भून के रखे थे इसे हम इसकी गार्निश कर देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। बिसी वाले भात बनकर तैयार है, इसे आप खारा बूंदी और रायते के साथ परोसिए। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे, और इसे बनाने में आपको कोई ध्यान नहीं रखना, लेकिन जब आप इसके लिए मसाला बनाएं तो सारे मसाले ध्यान से निकाल लीजिए, उन्हें धीमी आग पर गोल्डन होने तक भूनिए और पीस लीजिए, क्योंकि इन्हीं मसालों से इस भात का टेस्ट और खुशबू बनती है। आप बहुत अच्छा भात बनाकर तैयार करेंगे, तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।